कल की क्लास में हमने क्या कहां तक किया था? पैरेन्काइमेटस सेल्स, मेरिस्टमेटिक टिश्यू कंप्लीट कर लिया था हमने, परमानेंट टिश्यू में बेटा सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, दो तरह के टिश्यू होते हैं। इन सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, तीन तरह के होते हैं सिंपल परमानेंट में। इसमें कि फर्स्ट पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बारे में हमने बात की थी, मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर पैरेन्काइमेटस टिश्यू, मतलब जो भी टिश्यू बनते हैं बेटा प्लांट में वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैरेन्काइमेटस टिश्यू की ही मॉडिफिकेशन होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैरेन्काइमेटस टिश्यू की ही मॉडिफिकेशन वो होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बारे में हमने कल थोड़ा सा लिखा था, आज उसके टाइप के बारे में करेंगे। सर सुभाष, हाँ ठीक है, चलो देखो, टाइप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, है ना, फंक्शन के बेसिस पे टाइप ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू। पहला है, आप लोग जानते होंगे, नाइन्थ में पढ़ा है, कोई बताएगा, ए मैंने लिख दिया है, कोई बताएगा ऐसे क्या होगा? एरेन्काइमा बेटा, स्टोरेज भी होगा, किसी ने लिखा था स्टोरेज, स्टोरेज भी होगा। एरेन्काइमेटस टिश्यू, एरेन्काइमा, एरेन्काइमा बेटा, जिसमें एयर कैविटी आ जाए ना, ऐसी सेल्स, ऐसे टिश्यू जिसके बीच बीच में एयर कैविटी आ जाए उसको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। और ये किस तरह के प्लांट्स में होंगे, किस तरह के प्लांट्स में होंगे बेटा? एक्वेटिक प्लांट में होंगे, मतलब एयर कैविटी आ जाए उनको फ्लोट करने में, बायोन्सी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हो। ठीक है, लिखिए लिखिए बेटा, एरेन्काइमा में, इट इज पैरेन्काइमा विद लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस, इट इज पैरेन्काइमा विद लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बेटा ये सेल्स हैं, इनके बीच बीच में बड़े बड़े एयर कैविटी पाए जाते हैं ना, लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेस एंड एयर कैविटीज प्रेजेंट। अभी शुरू नहीं किया कि तब तक रिपीट कर दूं, मुस्कान अभी ज्वाइन किए हो, लिखो, एरेन्काइमा में, इट इज पैरेन्काइमा विद लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेस एंड एयर कैविटीज एंड एयर कैविटीज प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स, प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स वेयर इट हेल्प इन मेंटेनिंग बायोन्सी, BUOYANCY, बायोन्सी। बेटा जो एक्वेटिक प्लांट्स कुछ होते हैं उनमें एरेन्काइमा पाई जाती है, एयर कैविटी पाई जाती है जो उनके बैलेंसिंग में हेल्प करती है ना, बायोन्सी में हेल्प करती है। नेक्स्ट लिखो, स्टोरेज पैरेन्काइमा, सेकेंड वन इज स्टोरेज पैरेन्काइमा का मतलब हुआ बेटा वो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो फूड को स्टोर करती हैं, जैसे कि पोटैटो ट्यूबर में, है ना, पोटैटो ट्यूबर हमने पढ़ा है अभी मॉर्फोलॉजी में, लिखिए, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स, लाइक एग्जांपल लिख सकते हो पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर,
हर्ष क्यों बार बार हाथ उठा रहे हो? ठीक है, नेक्स्ट लिखो टाइप में क्लोरेन काइमा। थर्ड वन इज क्लोरेन काइमा। क्लोरेन क्लो वर्ड लिखा हुआ बेटा, क्लोर है, क्लोर वर्ड है, मतलब कि हाँ बिल्कुल वंदना सही बात है। इसमें क्या पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। और ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, लिखिए बिल्कुल बेटा हर सही बात है। लिखिए इन एक्वेटिक प्लांट सच एज ट्रापा TRAPA, इन एक्वेटिक प्लांट सच एज ट्रापा, सच एज ट्रापा एंड अदर प्लांट्स लाइक एंड अदर प्लांट्स लाइक एलो ALOE एलो कॉमा ओपनसिया, ओपनसिया, ओपनसिया में लीफ मॉडिफिकेशन, बिल्कुल ओपनसिया में बेटा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? उसका लीफ करता है कि स्टेम करता है कि रूट करता है? क्या करता है ओपनसिया में, कौन फोटोसिंथेसिस करता है? स्टेम मॉडिफाइड, बिल्कुल रूट नहीं बेटा हर, स्टेम। ओपनसिया में हमने बताया था मॉडिफाइड लीफ, फाइलोक्लैड, समझ रहे हो, फाइलोक्लैड फ्लैटेंड, फ्लैटेंड स्टेम और लीफ जो है मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। ओपनसिया में हमने यही पढ़ा था, लिखिए एंड अदर प्लांट्स, बिल्कुल फ्लैटेंड लीफ, थॉर्न नहीं बेटा नवदीप, उसमें थॉर नहीं होते, उसमें स्पाइंस होते हैं ओपनसिया में। लिखिए ओपनसिया पैरेन्काइमा डेवलप्स, पैरेन्काइमा डेवलप्स एंड अदर प्लांट्स लाइक एलो ओपनसिया, पैरेन्काइमा डेवलप्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सर योगेश नॉट नवदीप, अच्छा जो भी हो, क्या लिखा यार, पैरेन्काइमा डेवलप्स फोटोसिंथेटिक, ज्यादा बोलो लिखने के चक्कर में रहोगे तो यही होगा, छूट जाएगा। चलो इन एक्वेटिक प्लांट्स सच एज ट्रापा एंड अदर प्लांट्स लाइक एलो ओपनसिया, हाँ सिंघाड़ा इज ट्रापा इज सिंघाड़ा, एलो ओपनसिया पैरेन्काइमा डेवलप्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब है बेटा प्रोजेन्काइमा, फोर्थ वन इज प्रोजेन्काइमा। प्रोजेन्काइमा मतलब होता है बेटा फाइबर, है ना, फाइबर लाइक, फाइबर लाइक थिक सेल वॉल, फाइबर लाइक थिक सेल वॉल, इलोंगेटेड सेल, फाइबर लाइक थिक सेल वॉल। लिखिए इन सम केसेस पैरेन्काइमा डेवलप्स, इन सम केसेस पैरेन्काइमा डेवलप्स, डेवलप्स थिक वॉल, थिक वॉल, थिक वॉल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। स्ट्रेच कंटेनिंग ना ना एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट लिखिए आइडियोब्लास्ट, लास्ट वाला रिपीट बेटा, एक ही तो मैंने सेंटेंस बोला है, इन सम केसेस पैरेन्काइमा डेवलप्स
थिक वॉल्ड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, उसको हम प्रोजेक्ट काइमा बोलेंगे, दे आर द मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस टिश्यू, राइट। अच्छा अब लिखो आइडोब्लास्ट, आईडीआईओ, इडियोब्लास्ट मतलब इडियो मीन्स होता है बेटा जहां पे, हाँ गम लेटेक्स, बिल्कुल वंदना सही बात है बेटा, सही बात है, आप सही बता रहे हो। लिखिए, इट इज सेक्रेटरी पैरेन्काइमा इडियोब्लास्ट है ना, विच सेक्रेट गम रेजिन्स लेटेक्स एक्सेट्रा, LATEX, विच सेक्रेट गम रेजिन्स लेटेक्स एक्सेट्रा, मतलब प्लांट्स बहुत सारी चीजों को सेक्रेट करते हैं ना, तो जहां से निकलता है बेटा वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, और ऐसी जिसको कि हम बोलते हैं इडियोब्लास्ट, ठीक है। हाँ टैनिन, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो नेक्स्ट है कोलेनकाइमा, दूसरा पैरेन्काइमा कंप्लीट हो गया बेटा, पैरेन्काइमा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकेंड टिश्यू लिखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू में सेकेंड है बेटा, कोलेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा। देखो बहुत तेजी से आधी आ गई है ना, प्लांट ऐसे है बेंड हो जाता है फिर बेटा फिर सीधा खड़ा हो जाता है, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बेटा ये किसके कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण होता है, याद रखना कोलेनकाइमा, समझ रहे हो। इसका स्ट्रक्चर योगेश, क्या नहीं आई योगेश, चलो देखो अच्छा योगेश तुम्हारे क्लास में है ना, तुम्हारे क्लास में नहीं है, ये देखो मैं सेल बना रहा हूं कोलेनकाइमा, हेक्सागोनल सेल्स हैं बेटे, ये हेक्सागोनल सेल्स हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस मैंने नहीं दिखाया है, देखो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाया इसमें, ये सेल्स हैं सारे, समझ गए, और इनके इनकी वॉल है, मान लो ये वॉल है इस तरह से, थिक सेल वॉल है, सेल वॉल थिक है इनकी, देख रहे हो हेक्सागोनल सेल्स मैंने बनाया है, वॉल इनकी थिक है, ठीक है, और यहां पर इनके कॉर्नर्स पे ऐसे डिपोजिशन होता है कुछ मटेरियल्स का, बनाते रहो मेरे साथ साथ में ना, साथ के साथ काम करते रहो, आप लोग भी बनाते रहो बेटे, जल्दी हो जाएगा। ऐसे कॉर्नर्स पे मटेरियल्स की बहुत सारे डिपोजिशन हो जाती है बेटा, तो हम इसको बोलते हैं थिकेंड कॉर्नर, ये सेल्स हैं कोलेनकाइमा सेल्स हैं, ठीक है, कोलेनकाइमा सेल्स हैं।
थिक एंड कॉर्नर कॉर्नर्स, ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है इसमें। ये देखो मैंने इतना बड़ा बड़ा वैक्यूल बना दिया सभी में, प्लांट सेल है ना ऐसे, ये क्या है बेटा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, साइड में होगा ना, साइड में आप न्यूक्लियस बना सकते हो ऐसे साइड में। ये क्या है बेटा, न्यूक्लियस, ठीक है। थिक एंड कॉर्नर्स आपको जरूरी है कि याद रहे एकदम, थिक एंड कॉर्नर। ये क्या है बेटा जो मैंने बाहर बाहर बनाया है, ये है सेल वॉल, अंदर तो सेल मेम्ब्रेन होगी, यहां पे सेल वॉल, सेल वॉल है, ये भी थिक है, ठीक है। प्लांट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये भी है ना, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये भी प्रोवाइड करेगा। थिक एंड कॉर्नर आप लोगों को जरूर याद रखना है, ठीक है। अब लिखिए, बना लिया होगा। इट इज प्रेजेंट इन होमोजीनस लेयर, मतलब एक ही जैसे बने हुए जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसको होमोजीनस बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट एज अ होमोजीनस लेयर, सेम टाइप ऑफ सेल्स, इट इज प्रेजेंट एज अ होमोजीनस लेयर, और इन पैचेस, और इन पैचेस बिलो द एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है बेटा, एपिडर्मिस के नीचे ये पाया जाता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पेटियोल ऑफ लीफ, पेटियोल सब लोग जानते हो, पेटियोल ऑफ लीफ, आयुष रिपीट कर दूं, कहां रहते हो आयुष, तुम्हारी क्लास में। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पेटियोल ऑफ लीफ वेयर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, महिमा पूछ रही हो पेटियोल मीन्स क्या, मॉर्फोलॉजी पढ़ा है बेटा महिमा हमसे, मॉर्फोलॉजी आपने पढ़ा है, नो ओके, इसीलिए पूछ रही हो, बहुत अच्छी बात है, सॉरी। देखो ये स्टेम है बेटा, ये लीफ है, ठीक है बेटा, ये स्टेम है, ये लीफ है, तो ये जो पोर्शन देख रहे हो ये, ठीक है, यही क्या है, इसी को हम बोलते हैं पेटियोल, अभी के लिए समझ लो इतना ही है ना, बाद में और देखेंगे पेटियोल, ठीक है बेटा। देखो क्या लिखा, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन पेटियोल ऑफ लीफ वेयर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है बेटा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स ऑफ कोलेन काइमा आर लीविंग, सेल्स ऑफ कोलेन काइमा आर लीविंग, लीविंग एंड हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, एंड हैव लार्ज
सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, मैंने बनाया है, बीच में बड़ा वैक्यूल बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, देखा आपने इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स कैन बी स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल और इलांगेटेड। सेल्स कैन बी स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल और इलांगेटेड। ओवल और इलांगेटेड। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन वॉल ऑफ कोलेनकाइमा, ऑन वॉल ऑफ कोलेनकाइमा, ऑन वॉल ऑफ कोलेनकाइमा देयर इज हैवी डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, देयर इज हैवी डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज कॉमा हेमी सेल्यूलोज। सर थोड़ा धीरे, अच्छा ठीक है आराम से बोलता हूं, चलो फिर से लिखो। ऑन वॉल ऑफ कोलेनकाइमा देयर इज अ हैवी डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज कॉमा हेमी सेल्यूलोज। अब आप सब लोग जानते हो हेमी सेल्यूलोज, मैंने बायोमोलिक्यूल्स में बताया है, सेल्यूलोज हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टीन, PECTIN पेक्टीन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिखो हेमीसेलुलोज एंड पैक्टीन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ डिपोजिशन, पैटर्न ऑफ डिपोजिशन कोलेनकाइमा इज डिवाइडेड इंटू, कोलेनकाइमा इज डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप, कोलेनकाइमा इज डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप। पहला है बेटा एनुलर, एनुलर ए, एनुलर क्या एंगुलर लिखो, एंगुलर ए एन जी यू एल ए आर एंगुलर हेमी सेलुलोज महिमा, हेमी सेलुलोज मेन बता रहा हूं रुको, एंगुलर लैमेलर एल ए एम ई डबल एल ए आर लैमेलर, एंड लैकुनर, लैकुना मीन्स कैविटी होता है, लैकुनर एल ए सी यू एन ए आर लैकुनर। ये बस याद रखना है आपको, इसे पढ़ना नहीं है कि मतलब कैसा होता है। डिपोजिशन एंगुलर मतलब कि एंगल के जैसा हो तो वो एंगुलर हो जाएगा, है ना, बस नाम याद रखना है आपको, बाकी इसका डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ और कौन पूछ रहा था भाई, अब चलो पहले एक सेंटेंस लिख लो फिर पढ़ो। कोलेनकाइमा ऑफन कंटेन्स, कोलेनकाइमा ऑफन कंटेन डिपोजी, ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। कभी कभी ऐसा होता है एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, देखा होगा पेटियोल कभी ग्रीन भी तो होता है, वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। महिमा पूछ रही थी ना कि कोलेन का सॉरी हेमीसेलुलोज क्या होता है, रिपीट करपो, ठीक है। कोलेनकाइमा ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट। सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो, कर रहा हूं भाई लिख लो, पर परास पारस क्लोरो क्लो क्या बोला था मैंने क्लो कोलेनकाइमा ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, लिख लिया।
हेमीसेलुलोज, तेजस्विनी, हेमीसेलुलोज बेटा कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया था हेटरोपॉलीसैकेराइड होते हैं ये, कई तरह के जाइलॉन्स है ना, गैलेक्टॉन्स, कई सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके बनाते हैं हेमीसेलुलोज, वो हेटरोपॉलीसैकेराइड होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर होता है। सर हमने बायोमोलिक्यूल्स नहीं किया। महिमा हाँ, तो आप लोगों को तो अभी कराना है, अभी तो मुझे कराना है, शुरू करेंगे ना कल से, शुरू करेंगे कल से बायोमोलिक्यूल शुरू करेंगे बेटा साहा और भास्कर बैच, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को, अभी छोड़ दो। अब नेक्स्ट है बेटा टाइप स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा थर्ड लिखिए बेटा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा बेटा पहली बात ये कि ये डेड सेल्स होते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा, ये डेड सेल्स होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में डेड सेल नहीं होते, शुरू में तो ये कैसे होंगे, लिविंग होंगे, और वो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं बेटा, है ना, डेड डेड हो जाते हैं तो वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में कन्वर्ट हो गए, समझ रहे हो, यूजुअली दे आर डेड सेल्स। सेल वॉल कैसी होगी, थिन होगी या थिक होगी, तो थिक होगी, समझ रहे हो, प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट होगा, थिक वॉल्ड, बिल्कुल ठीक है, और इनके वॉल पे सेलुलोज इकट्ठा रहता है या लिग्निन, मतलब मैं बताऊं जैसे कि मान लो ये सेल वॉल है, यहां पे ये सेल है, मान लो यहां पे अगर कोई डिपोजिशन हो गई इनके सेल वॉल के ऊपर और इसको इम्परमिएबल बना दिया, बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकती, अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकती, तो फिर तो इसकी डेथ हो ही जाएगी ना, लिग्निन और सेलुलोज और बोथ, ऐसा बोलते हैं, किसी किसी में लिग्निन, किसी में सेलुलोज बहुत ज्यादा, किसी किसी में दोनों, तो लिखिए यूजुअली दे आर डेड सेल्स, यूजुअली दे आर डेड सेल्स, थिक वॉल्ड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, थिक वॉल्ड, बिल्कुल सही बात है बेटा, यूजुअली दे आर डेड सेल्स, थिक से थिक वॉल्ड, प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट या विदाउट प्रोटोप्लाज्म, सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, देखते हैं क्या क्या करता है बेटा, रुक जाओ, सेल वॉल कंटेन सेलुलोज और लिग्निन और बोथ, और बोथ। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म्स स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म्स स्ट्रक्चर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा इज डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट टाइप्स, स्क्लेरेनकाइमा डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट टाइप्स, वो टू डिफरेंट टाइप कौन कौन से होंगे, हाँ एक तो होगा बेटा फाइबर्स और दूसरा स्क्लेराइड्स, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स, ठीक है, तो पहले लिखिए बेटा फाइबर्स, दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, नंबर वन पहला लिखिए फाइबर्स, फाइबर्स,
फाइबर्स का डायग्राम बना देंगे बेटा, देखो आप अभी बनाना मत कोई भी, रुक जाओ नहीं तो गलत हो जाएगा, मैं तो मिटा दूंगा, आप लोग नहीं मिटा पाओगे ना। ये देखो ये मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, ये सारे क्या हैं कोई बताएगा? कि छोटे छोटे मैंने पोर्स बना दिए इसमें, छोटे छोटे पोर्स बना दिए बेटा। इस पोर्स को क्या बोलते हैं आप बताओ, कोई बताएगा हमें? पिट्स, बहुत बढ़िया। अरे वाह रे बेटा वाह, वंदना बहुत बढ़िया। पिट्स बोलते हैं बेटा इसको, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? हम लोग पिट्स बोलते हैं बेटा। इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होता है ये हम लोग सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो डिपोजिशन है बेटा, ये क्या है? सेल वॉल है। और ये जो कैविटी बन गई है अंदर जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म नहीं है, उसको क्या बोलोगे आप? ल्यूमेन। ये ल्यूमेन है, ठीक है। यही स्ट्रक्चर है किसका बेटा? फाइबर्स का। फाइबर्स ऐसे ही होते हैं और एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बेटा, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लिखिए इसमें, बना लिया डायग्राम तो लिखिए। इट इज नैरो इलांगेटेड स्ट्रक्चर विद पॉइंटेड एंड्स, ENDS। इट इज नैरो इलांगेटेड स्ट्रक्चर, नैरो इलांगेटेड स्ट्रक्चर विद पॉइंटेड एंड्स, ENDS एंड्स, having heavy deposition on wall, having heavy deposition of wall, as well as result lumen become narrow, having heavy deposition on wall as a result narrow lumen, चलो फिर से लिख लो, क्या लिखा? हाँ लिख लो, फिर से मैं बोल देता हूं। Heavy deposition on wall as a result become lumen become narrow. Next point, on wall large number of pits are present. On wall large number of pits are present. नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी प्रेजेंट इन ओवरलैपिंग मैनर और it can be present in overlapping manner or interlocked manner। कैसे? देखो ये हमारी फिंगर मान लो फाइबर्स हैं, तो ये ऐसे, समझ रहे हो, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, समझ में आ गया होगा। अब बेटा स्क्लेराइड्स, दूसरा है स्क्लेराइड्स,
स्क्लेराइड्स लिखी है. इट कैन बी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल. इट कैन बी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल. स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल. कॉमा डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप. डिफरेंट डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ शेप. ऑन द बेसिस ऑफ शेप. पहला ब्रैकी और स्टोन सेल्स. ब्रैकी सेल्स और स्टोन सेल्स पहला. ठीक है सर, इसका डायग्राम नहीं है. है ना, है ना, मैं बना रहा हूं अभी, देखो. अच्छा एक बात है कि पीट्स जो है ना वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं. तो मैंने अभी जो बनाया था उसमें अनब्रांच्ड पिट्स थे. ठीक है, अब इधर ध्यान से देखना. स्टोन लाइक मतलब ऐसे देखो, ये देखो, ये एक ध्यान से देखो, इधर इधर देखो, बाद में बनाना. ये एक सिंगल सेल है बेटा, ठीक है, ठीक है. स्फेरिकल है ये, एक स्फेरिकल सेल थी मैं बोल रहा हूं, अभी नहीं है. स्फेरिकल सेल थी ये पहले, इसका प्रोटोप्लाज्म सूख गया. ठीक है, अब ये देखो, ये खाली जगह बच गया. तो यहां पे ये क्या है, छोटा सा बचा है बीच में, ये है ल्यूमेन. क्या है ये, अब इधर देखते रहो, ये है ल्यूमेन. ठीक है, और इस ल्यूमेन से बेटा निकल के बाहर पिट्स जा रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए बेटा ये रास्ता है इधर से. तो यहां पे देखो, इसमें तो सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, मतलब पिट्स है ये पिट्स. और ये देखो सीधा नहीं है, यहाँ पे ब्रांचिंग भी हुई है, यहां भी ब्रांचिंग हुई है ऐसे, इसमें फिर से ब्रांचिंग हुई है. ये सीधा है, ये सीधा, इसमें ब्रांचिंग हुई है. देखो यहाँ पे देखो ब्रांचिंग हुई है. तो ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं पिट्स, है ना. ठीक है, तो इसको क्या, हाँ इसको क्या लिखे, पिट्स चैनल या ब्रांच्ड पिट्स. ब्रांच्ड पिट्स, समझ में आ गया. और ये क्या है, सेल वॉल है, डिपोजिशन हो गई है, सेल वॉल की डिपोजिशन है बेटा. ठीक है, जल्दी से बनाओ, इसको कॉपी करो. पिन कैनाल या पिन पिट्स, कॉपी करो फटाफट. डन पुनीत, लिखो बेटा, फिर डन बन गया तो लिखो. फिर ब्रैकी और स्टोन सेल्स, चलो लिखो. They are spherical, unbranched, short. They are spherical, unbranched. Cell की तो कोई branch ही नहीं है. They are spherical, unbranched, short. Short. Isodiametric. Isodiametric.
विद ब्रांच्ड पिट्स, ब्रांच्ड पिट्स। एग्जाम्पल, ग्रिट ऑफ गुआवा, जी आर आई टी, ग्रिट ऑफ गुआवा, जी यू ए, हाँ, ग्रिट ऑफ गुआवा अमरूद में पाया जाता है बेटा, है ना, कॉमा एप्पल एंड पियर, इन सब में पाया जाता है स्टोन सेल्स, जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। सेकेंड है बेटा ऑस्टियोस्क्लेराइड्स, सेकेंड है बेटा, दूसरा है ऑस्टियोस्क्लेराइड। बेटा ऑस्टियोलॉजी मीन्स जानते हो, स्टडी ऑफ बोन, हाँ, मतलब ऐसा स्क्लेराइड्स जो बोन के जैसा, हड्डी के जैसा, हड्डी ना हो, बोन तो होगा नहीं ना, बोन के जैसा हो। देखो कुछ इस तरह से होता है ये, ठीक है, और इसका ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन बोन के जैसा दिखता है थोड़ा बहुत, ये ल्यूमेन है, ठीक है, बनाओ जल्दी और लिखिए, बोन लाइक विद स्वेलन एंड्स, दोनों कॉर्नर्स पे थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग हो बेटा, बोन लाइक, दे आर द बोन लाइक, बोन लाइक विद स्वेलन एंड्स, ई एन डी एस। एग्जाम्पल लिखिए, सरफेस, आई थिंक मछली कहां पहुंच गया यार, फिश लाइक, अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो, हाँ। एग्जाम्पल लिखो बेटा, सब एपिडर्मल, अब सब एपिडर्मल सेल्स कहां पे होते हैं हम लोग देखेंगे आगे चल के, सब एपिडर्मल कवरिंग ऑफ, सब एपिडर्मल कवरिंग ऑफ सम लेग्यूम सीड्स, सम लेग्यूम सीड्स, इन ब्रैकेट सीड कोट्स, सीड कोट में पाया जाता है बेटा, सीड कोट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मैक्रोस्क्लेराइड्स, मैक्रोस्क्लेराइड्स रॉड लाइक होता है ये, हाँ। थर्ड जो होगा मैक्रो, मैक्रोस्क्लेराइड्स रॉड लाइक है ना, रॉड लाइक, तो जैसे कि बैक्टीरिया रॉड लाइक था बैसिलस, उसी तरह से ये भी होगा कुछ इस तरह से, और ये इसका ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऐसा रॉड लाइक, मैक्रोस्क्लेराइड्स में लिखिए इलॉन्गेटेड रॉड लाइक, इलॉन्गेटेड रॉड लाइक। एग्जाम्पल लिखो, इट अकर्स इन ऑल्सो सीड कोट ऑफ लेग्यूम, इट अकर्स ऑल्सो सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। एंड लास्ट वन इज ट्राइको स्क्लेराइड्स, ट्राइको स्क्लेराइड्स, ट्राइकोम सुना होगा नाम आपने प्लांट्स में, ट्राइकोम, हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑन स्टेम,
उसी से बना है ये, मतलब हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है, हेयर लाइक सेल होते हैं ये, हेयर लाइक सेल्स होते हैं स्क्लेराइट्स। लिखिए, दे आर हेयर लाइक वेरी इलांगेटेड सेल्स, दे आर हेयर लाइक वेरी इलांगेटेड एग्जाम्पल लीफ ऑफ निम्फिया NYMPHEAAE होता है, एंड टी के लीफ में भी पाया जाता है बेटा ट्राइकोस्क्लेराइड्स, चाय टी लीफ है, प्लांट है ना, NYMPHEAAE निम्फिया। एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं बेटा, लिख लो लीफ ऑफ निम्फिया NYMPHEAAE निम्फिया, एंड टी चाय पीते होगे आप लोग, चाय तो पीते होगे, चाय पीते हो, कम पीते हो या कभी कभी पीते हो, कभी कभी, चलो बढ़िया है, अगर ना पिए तो अच्छा है, मिल्क, हाँ ये सही है भाई, नेवर, बहुत बढ़िया, दूध बेस्ट है, अच्छी बात है। आप लोग चाय नहीं पीते हो तो ये तो बहुत बढ़िया बात है ना, वो एडिक्शन कॉज करता है बेटा चाय, है ना। अब क्या बाकी है आगे, कॉम्प्लान बॉय मूड बने पर, अच्छा महिमा जाइलम पीती हो, अच्छा नहीं जाइलम जाइलम पढ़ना है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, चल बेटा महिमा। अब है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, टेस्ट भी भूल गया, अच्छा हम लोग एक महीना दो महीना ऐसे करते करते पूरा सेशन निकाल दिए लगभग, है ना, फोन पे, वाह जी वाह, चलो नई नई चीजें होती रहनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, हाँ हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, आप लोग जानते हो, ठीक है, इससे टाइपिंग अच्छी हो गई, अच्छा फोन पे टाइपिंग की स्पीड बढ़ गई, चलो अच्छी बात है, चल बेटा। तो उसमें हम दो हमने लिखा था जाइलम एंड फ्लोयम, तो पहले शुरू करते हैं बेटा हम जाइलम। जाइलम की मीनिंग पता है आप लोगों को, जाइलम मीन्स होता है वुड, किसी को पता है, जाइलॉन मीन्स होता है बेटा वुड, जाइलन मीन्स होता है वुड, ठीक है। और ये भी बात आप लोगों को अच्छी तरह से पता है पहले से कि जाइलम फोर टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बना होता है, कौन कौन सा, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ठीक है, एंड जाइलम वेसल्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, बच्चों बिल्कुल बेटा, ये जो ऊपर के तीनों सेल्स हैं ये वाले, ये क्या है, डेड है कि लिविंग, दीज आर द डेड सेल्स, है ना, डेड सेल्स, और पैरेन्काइमा ही केवल लिविंग होती है। और मैं आपको बता दूं इसी का जस्ट उल्टा, जिंदी जिंदी जिंदी, अच्छा
ये भी मैं बता देता हूं यहाँ पे कि फ्लोयम में जस्ट इसी का उल्टा होता है। फ्लोयम में उल्टा कैसे बेटा, उसमें तीन लिविंग होते हैं और एक डेड होता है फ्लोयम में, है ना, देखेंगे उसको भी। ठीक है, जाइलम का मेन फंक्शन क्या है बेटा, टू मेन फंक्शन क्या है जाइलम का। नेक्स्ट पॉइंट, दो फंक्शंस बताएंगे आप लोग, दुनिया जानती है, आप लोग भी जानते हो। वाटर कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन, और हाँ, सबने सही बताया, बिल्कुल सही बताया। हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट, वंदना ने भाई लिख दिया, वंदना वंदना बहुत बढ़िया बेटा। मैकेनिकल सपोर्ट जो दो फंक्शन है बेटा, पहला क्या है कंडक्ट वाटर एंड, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, पहला क्या है बेटा कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ट्रांसपिरेशन तो लिखा नहीं, बट ट्रांसपिरेशन इसका फंक्शन थोड़ी ना है, वाटर इसलिए थोड़ी ना एब्जॉर्ब करता है प्लांट के, इसको ट्रांसपिरेशन करके उड़ा दूं, ठीक है, और जाइलम के थ्रू होके जाएगा, इसका तो काम, चलो ट्रांसपिरेशन एक अलग चीज है और वो जरूरी है नहीं जरूरी है क्या है कैसे है वो हम लोग स्ट्रोमेटा के फंक्शन में पढ़ने वाले हैं, अभी तो नहीं। अभी तो ये समझ लो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बेटा, क्यों आप ये भी जानते हो, थोड़ा सा जानते हो, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा तो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल तो हम इसी चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे बेटा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को पता है, मैंने बताया है आप लोगों को कि जिम्नोस्पर्मिक वुड को, लकड़ी को, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वुड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेसल्स, जाइलम वेसल्स नहीं पाई जाती। एंजियोस्पर्म में बेटा जाइलम वेसल्स पाई जाती हैं, इसलिए वो हार्ड वुड है, ठीक है ना। तो ये जो जाइलम है बेटा, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है बेटा, बिल्कुल ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यू इन जिम्नोस्पर्म, आप नेक्स्ट पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो याद रखने के लिए, या जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू लिख के ऐसे लिखो, कंडक्टिंग टिश्यू है ये, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अलग अलग बात है। इन जिम्नो स्पर्म्स इन एंजियोस्पर्म, बेटा जिम्नोस्पर्म में क्या है, केवल ओनली ट्रैकीड, ओनली ट्रैकीड्स हैं, और एंजियोस्पर्म में दोनों हैं, बोथ क्या, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जो इसी चैप्टर के लास्ट में हमें डिटेल करना है, यहां पे तो सिर्फ पॉइंट लिखेंगे हम, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेसल्स, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेसल्स। टाइम हो गया क्या यार, बड़ा जल्दी टाइम हो गया, चलो एक दो पॉइंट लिख लो फिर देखते हैं। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेसल्स, जिम्नोस्पर्मिक वुड इज नोन एज, जिम्नोस्पर्मिक वुड इज नोन एज सॉफ्ट वुड, SOFT सॉफ्ट वुड, एंड एंजियोस्पर्मिक वुड इज कॉल्ड हार्ड वुड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
there are three families of angiosperm. There are three families, FAMI. There are three families of angiosperm where vessel is absent. ये भी बात है, कुछ angiosperm भी हो ऐसे हो हैं जहां पे vessels नहीं पाए जाते. There are three families of angiosperm where vessels are absent. That is, वो तीन family कौन कौन से हैं नाम लिखो. That is, winter AC, W-I-N-T-E-R-A, C-E-A-E, winter AC, लिख लिया. नेक्स्ट फैमिली लिखो ट्रोकोडेंड्रोसी, T-R-O-C-H-O D-E-N-D-R-A, ट्रोकोडेंड्रेसी, T-R-O-C-H-O-D-E-N-D R-A-C-E-A-E, and tetracentrasi, T-E-R-T-A-C-E-N-T R-A-C-E-A-E, लिख लिया. अगेन प्लीज, किसका विंटर एसी लिख लिया, लास्ट वाला लिख लो टेट्रा सेंट्रेसी, T-E-T-R-A टेट्रा सेंट्रेसी, C-E-N-T-R-A-C-E-A-E, कंप्लीट हो गया. लिख लिया सब लोगों ने, ठीक है. अब बेटा हम क्या करेंगे, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स के बारे में डिटेल करेंगे, ठीक है. तो एक दो कॉलम बना के छोड़ देंगे हम लोग. छोटा सा टेबल एक बनाएंगे जिसमें कि पहले हम लिखेंगे, पहले वाले में जाइलम ट्रैकिड्स, ठीक है, और दूसरे में क्या लिखेंगे, जाइलम वेसल्स. जाइलम वेसल्स, ठीक है. दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों का मेनली क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स. बोथ आर वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट्स, दोनों का फंक्शन. Both are water transport elements होते हैं. इनमें डिफरेंस क्या है, है ना, और इनका डायग्राम बना के देखेंगे कि और क्या क्या डिफरेंस है, लेकिन कल देखेंगे हम लोग, है ना, कल देखेंगे. ठीक बात है, या अभी टाइम है आप लोगों के पास, कंटिन्यू करें. 4:30 बजे क्लास है, अच्छा नहीं, कुछ बच्चों का 4:30 बजे क्लास है तो उनको 10 मिनट का ब्रेक चाहिए. ठीक है बच्चों, तो कोई बात नहीं, हम लोग कल करते हैं, ठीक है, यहाँ इसके आगे कल करते हैं.